हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक रहोगे, हैप्पी रहोगे। सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मेरी जब भी वैगनर है वो इंश्योरेंस के पार्ट क्लेम करने के लिए सर्विस सेंटर में गई थी, तो उस वक्त कौन से पार्ट चेंज हुए थे, तो इस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूँ। दूसरी बात है कि मुझे वहाँ पे कितना खर्चा था, मतलब क्लेम अगर मुझे कोई पास करने का तो मुझे कितना खर्चा आया था, और एक नॉर्मली कितना मुझे समय लगा है, तो वो सारे में चीज़ें आपसे मैं शेयर करने वाला हूँ। पर दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन रहता है उसको आप प्रेस करो, क्योंकि जब भी मैं नए नए ऐसे में वीडियो डालते रहता हूँ तो आपको सबसे नोटिफिकेशन पहले आएगा। और मैंने इसके साथ वीडियोस के कुछ लिंक्स भी देके रखे कमेंट बॉक्स में, तो आप प्लीज़ वो चेक करना, क्योंकि इस वीडियो रिलेटेड सारे वो रेफरेंसेस है, तो प्लीज़ आप उसको आप चेक करना ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये दोनों पार्ट थे बेसिकली कार में चेंज होते, और इसके साथ एक लेफ्ट हैंड साइड का एक मिरर भी था, वो चेंज हुआ था, पर वो मुझे पार्ट मिला नहीं सर्विस सेंटर में। तो देखो, ये पार्ट है, इसको बोलते हैं रेडिएटर लोअर बोलते हैं पार्ट, जो इंजन में रहता है, निचले साइड में रहता है, तो ये पूरी तरह से डैमेज था, यहाँ से ये पूरा डैमेज था, तो इसके लिए उन्होंने ये चेंज कर दिया। और इसके साथ ये जो है फ्रंट रेडिएटर है, तो ये भी पार्ट है डैमेज था, तो इसके लिए इन्होंने जो सर्विस सेंटर वालों ने चेंज कर दिया। ने वीडियो में देखा रहेगा, यहाँ से जो चेसी था वो मेरा थोड़ा बैंड था, ये जो लोअर रेडिएटर था उसके वजह से था, और जो फ्रंट था रेडिएटर एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा बम्प हुआ था, तो इसके लिए जो फ्रंट रेडिएटर था तो ये भी ख़राब हुआ था। मैं आपको गाड़ी में दिखा देता हूँ कि ये जो दोनों पार्ट्स रहते हैं वो कहाँ पे रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट रेडिएटर है, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे टूल्स है तो आपको दिख नहीं सकता, इस साइड है, और जो लोअर रेडिएटर की मैं जो बात कर रहा हूँ ना, वो देखो डाउन साइड है, देखो ये जो मेरा फिंगर्स दिख रहा है आपको, तो वहाँ पे वो लोअर रेडिएटर है, तो ये दोनों पार्ट्स डैमेज थे, तो इसके लिए क्या थोड़ा चेसी ऐसा बैंड दिख रहा था, और उसके साथ मैं आपको मिरर भी दिखा था यहाँ पे, ये जो मिरर है आपने देखा रहेगा उस वीडियो में जो मैंने बनाया था, तो मिरर पूरी तरह से क्रैक था, मतलब टूटा हुआ था, तो ये मिरर भी इंश्योरेंस क्लेम में मुझे चेंज करके दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल ये जो तीनों भी जो पार्ट्स थे उसका जो खर्चा आया मेरे को, वो मुझे टोटल खर्चा आया 13,614 रुपीज़ का खर्चा आया। अगर मेरी कार अगर इंश्योरेंस में नहीं रहती थी तो मुझे वहाँ पे 13,614 रुपीज़ का वहाँ पे मुझे पेमेंट पे करना पड़ता था। इंश्योरेंस में कंज्यूमेबल पार्ट का एक ऑप्शन रहता है, वो हमें सिलेक्ट करने का रहता है, पर जब भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जब भी निकाला था तभी उसमें वो पार्ट था वो कवर नहीं था, तो इसके लिए मुझे ये जो कंज्यूमेबल जो चार्जेस है, जैसे कि पेंटिंग चार्जेस, एसी गैस चार्जिंग, बाद में डेटिंग चार्जेस, ये सारे मुझे वहाँ पे करने पड़े। वहाँ पे टोटल मैंने 2,933 रुपीज़ पे किया, जिसमें इंश्योरेंस का एक क्लेम चार्जेस रहता है 1,000 रुपीज़ वो पकड़ के था, तो मुझे टोटल वहाँ पे जो खर्चा आया वो आप देख सकते हो, 2,933 रुपीज़ का खर्चा आया। दोस्तों, जैसे आपने देखा, मैंने आपको सारी चीज़ें है इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किए, मैंने आपको पार्ट्स भी दिखाए इस वीडियो में कि कौन से पार्ट्स यहाँ पे चेंज हुए थे, उसके साथ मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताया कि क्या क्या मुझे खर्चा आया और मुझे क्लेम चार्जेस मेरे को कितने लगे, वो सारा मैं आपको चीज़ें इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो मैं आपको फिर से एक बार एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन रहता है उसको आप प्रेस करो, क्योंकि मैं ऐसे ही कार रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहाँ से मैं एंड कर रहा हूँ, तो दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय। इतना खर्चा आया, और उसके साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि मजे में असं उचलणार रे, असं उचलणार, तो ठेवू शकतो मी, त्याचं काय प्लॅस्टिक आहे ना, तो शूट करणार आहे ते तेवढा भाग। हे लोअर रेडिएटर आहे, फक्त मला सांग, मी देख, क्रोप नको घेऊ, एक्चुअली क्या बहुत सारे टूल्स है ना, तो इसके लिए प्रॉपर तू कशाला वेंचर बोल ना, बोलायला नाही होतं म्हणून तुला मैं भी बोलतो मी। दोस्तों, यहाँ पे फ्रंट रेडिएटर है, आप देख सकते हो, फ्रंट पूर्ण कर दोस्तों, चला वेट चल बघ, अरे बोल तर कशी आहे वेगनार येते ना, नंतर फुरसत मध्ये आत पर्यंत स्टॉप कर, त्याला स्टॉप करू, सही ना, स्टॉप करू, हाँ स्टॉप करू।